नागरिकता कानून को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 दिनों के लिए विहिप जारी किया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से वहां से भाग कर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को CAB के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। वहीं नागरिकता संशोधन बिल के चलते विरोध भी हो रहा है, क्योंकि इस बिल के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसी आधार पर बिल का विरोध कर रही हैं। न्यूज़ डेस्क।